तो ये कहानी कुछ स्प्रिट वॉरियर की है, जिनके पास कुछ अनोखे वेपन को समन करने की पावर होती है, जिनका इस्तेमाल करके वो वॉरियर एक दूसरे से फाइट करते हैं और एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं ताकि वो गॉड से अपनी किसी भी एक विश को पूरा करवा सके। और यह कहानी टीशन नाम के एक लड़के की है जो गलती से एक होली वेपन को शमन कर लेता है जिसका नाम वाइट था, लेकिन टीशन की स्प्रिट पावर कम होने की वजह से वाइट अपनी सारी मेमोरीज को भूल जाता है। इसी बीच उनकी मुलाकात चैंग नाम के एक लड़की से होती है जो वाइट को ख़रीदना चाहती थी, लेकिन टीशन इससे इनकार कर देता है। तभी टी एन जाओ ग्रुप के कुछ मेंबर उन पर हमला कर देते हैं जो वहां पर चैंग के होली वेपन को लेने आए थे, लेकिन टीशन और चैंग किसी तरह उन्हें हरा देते हैं, जिसके बाद टीशन और चैंग के बीच एक अलायंस क्रिएट हो जाती है और चैंग टीशन को एक स्पिट वॉरियर बनने के लिए ट्रेन करने लगती है। इसी दौरान उन पर एक अटैक होता है और हमें पता चलता है कि वो अटैकर असल में चैंग के होली वेपन मुई और जोंग का बेटा है, जिसके पास एक काफ़ी खतरनाक होली वेपन थी जिससे वो मरते मरते बचते हैं, जिस पर चैंग मुई और जोंग से उसके पास्ट और उस लड़के के बारे में पूछती है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मुई के पास्ट को देखते हैं, जहाँ पर मुई उन्हें बताती है कि इन सब की शुरुआत ईजी नाम के एक बहुत फेमस स्वॉर्ड स्मिथ से हुई थी जो कि मुई के फादर थे, और एक दिन वो लोग एक घायल आदमी की जान बचाते हैं जिसका नाम जोंग होता है, और जोंग जल्द ही एजी का असिस्टेंट बन जाता है क्योंकि जोंग के अंदर वेपन बनाने की काबिलियत थी, जिसके कुछ समय बाद मुई और जोंग की शादी हो जाती है, जो साथ में मिलकर एक बहुत पावरफुल स्वॉर्ड बनाते हैं जिसका नाम जाओलाओ था। लेकिन उस स्वॉर्ड के क्रिएशन के कुछ समय बाद ही एक बड़ी वॉर शुरू हो जाती है, जिसके चलते मुई और जोंग मुई के फादर से अलग हो जाते हैं, जिस वजह से किंग चू उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें उनके लिए फायर कोर और आइस का इस्तेमाल करके कुछ मैजिकल स्वॉर्ड बनाने को कहता है, जिस पर जोंग और मुई अपने हुनर का इस्तेमाल करके उनके लिए वो स्वॉर्ड तैयार कर देते हैं। लेकिन जोंग को पता होता है कि एक बार वो स्वॉर्ड चू के हाथ लगते ही किंग चू उन्हें जान से मार देगा, इसलिए जोंग मुई को उस स्वॉर्ड का आधा हिस्सा किसी सुरक्षित जगह पर छिपा देने को कहता है, और उस स्वॉर्ड के हाथ लगने के बाद किंग चू उन दोनों को मरवा देता है। लेकिन मुई अपने आप को सेक्रीफाइस करके अपने बेटे को बचा लेती है, जिसके रिकार्नेशन को हम जियान के नाम से जानते हैं, और मुई और जोंग की मौत के बाद एक आदमी जियान का ध्यान रखने लगता है, जिससे जियान को उसके पेरेंट्स की मौत और किंग चू की साजिश के बारे में पता चलता है। इसलिए जियान किंग चू से बदला लेने का फैसला करता है, जिस पर जियान के स्टेप फादर जियान को एक रिचुअल के बारे में बताते हैं, जिसके जरिए जियान खुद को सेक्रीफाइस करके किंग चू से अपने पेरेंट्स की मौत का बदला ले सकता था, इसलिए जियान खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, जिस पर एक डैटी किंग चू का सर काटकर उसी पॉट में डाल देती है जिसमें जियान ने खुद को सेक्रीफाइस किया था, और उस रिचुअल के कंप्लीट होने के वजह से ही जियान के पेरेंट्स का दोबारा उस टाइमलाइन में रिकार्नेशन हो पाया था, और अपने पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से जियान अपने पेरेंट्स से नफरत करने लगता है। लेकिन चैंग जियान से सीधा फाइट नहीं करना चाहती थी क्योंकि जियान की होली वेपन सू काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी, इसलिए चैंग जियान से निपटने का कोई तरीका सोचने लगती है, जिसके कुछ दिनों बाद टीएन जैंग ट्रायल मैनेजमेंट का एक मेंबर चैंग से मिलने आता है जिसका नाम ई था, जहां पर चैंग ई से सू के बारे में बात करने लगती है क्योंकि उसे शक था कि सू जाओलो के लिए काम करती है, जिस पर ई इस बात को कंफर्म करता है क्योंकि ई कुछ दिनों से जाओलो के मेंशन पर ही रह रहा था, जहां पर उसने जाओलो को जियान को मैनिपुलेट करते देखा था। इसी दौरान जियान कुछ सिविलियंस को किडनैप करके उन्हें टॉर्चर कर रहा होता है और उसकी पिक्चर चैंग को भेजता है, जिसे देखकर मुई तुरंत जियान को रोकने चली जाती है, जिस पर जोंग भी अपनी वाइफ के पीछे जाता है, इसलिए चैंग टीशन को उसके मेंशन पर बुलाती है ताकि टीशन उनकी गैर मौजूदगी में उनके मेंशन की रक्षा कर सके, जिसके बाद चैंग जियान के लोकेशन पर पहुंच जाती है, लेकिन काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें वहां पर कोई नहीं मिलता है। लेकिन इसके कुछ समय बाद ही वहां पर कोई एक वार्ड एक्टिवेट कर देता है, जिस पर चैंग मदद के लिए टीशन को कॉल करने लगती है, लेकिन उनके ओपोनेंट चैंग के सेलफोन को तोड़ देते हैं, और चैंग एक बिल्डिंग के ऊपर जियान को देखती है जहां पर टीएन जाओ हॉल के एक और स्प्रिट वॉरियर भी मौजूद थी जिसका नाम रोमा था, और वो लोग वहां इसलिए आए थे ताकि वो चैंग को टीएन जाओ हॉल ले जा सके, लेकिन चैंग उनके साथ जाने से मना कर देती है, जिस पर रोमा उनसे लड़ने का फैसला करती है और चैंग को जान से मारने के लिए लगातार चैंग पर अटैक करने लगती है, जिससे चैंग मरने वाली थी, पर जोंग सही समय पर चैंग को बचा लेता है
और भले ही रोमा एक इंसान थी, लेकिन उसकी पावर देखने के बाद जोंग रोमा को हल्के में नहीं लेने वाला था। इसलिए जोंग रोमा पर अपने साइको शिफ्ट एबिलिटी से अटैक करता है, लेकिन इसका रोमा पर कोई असर नहीं होता। इसी दौरान हम वाइट और टीशन को देखते हैं जो तेज़ी से चैंग के मैंशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर रास्ते में वाइट टीशन को हारमोनी इंस्टॉलेशन के बारे में बताता है, जिसका इस्तेमाल करके एक स्पिट वॉरियर अपने होली वेपन के साथ मर्ज हो सकता था, जिससे उनकी पावर कई गुना बढ़ जाती थी। और इस समय रोमा और हारमोनी इंस्टॉलेशन का इस्तेमाल करके ही जोंग और मुई से फाइट कर रही थी। इसी दौरान रोमा अपनी तेज स्पीड का इस्तेमाल करके जोंग और मुई को बुरी तरह से पीट रही होती है, जो चैंग से देखा नहीं जा रहा होता है। इसलिए चैंग रोमा के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जोंग और मुई को यकीन होता है कि वो इस लड़ाई को जीत सकते हैं। तभी वहाँ पर एक लाइट चमकती है और हम देखते हैं कि चैंग भी हारमोनी इंस्टॉलेशन का यूज़ कर पा रही होती है। इसी दौरान हम आयोसिन और नोलान को देखते हैं जो अपने ग्रुप के साथ चैंग के मैंशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन वाही उनका पहले से ही वहाँ पर इंतज़ार कर रही होती है। फिर हम इन सभी इवेंट के होने से पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर वाइट को आयोसिन और नोलान को उनके मैंशन की तरफ आने का एहसास हो जाता है, जिस पर वो वाही को उन्हें रोकने का काम देता है क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी वाही का सामना नहीं किया था। जिस पर वाही आयोसिन के होली वेपन किंग जी से फाइट करने लगती है, जहाँ पर आयोसिन और नोलान उसका पीछा कर रहे होते हैं। इसी बीच चैंग के फैमिली के दूसरे होली वेपन्स एक एक करके आयोसिन और नोलान के ग्रुप के दूसरे मेंबर का सफाया करने लगते हैं, जिसके बाद हम चैंग को देखते हैं जिसने रोमा पर हमला करना शुरू कर दिया होता है, जहाँ पर रोमा चैंग की पावर की ग्रोथ देखकर काफ़ी शौक थी। इसी बीच चैंग अपने एक टेक्निक का यूज़ करके रोमा पर अटैक करती है, जिससे वो काफ़ी दूर जाकर गिरती है और उनकी फाइट ऐसे ही चलती रहती है। लेकिन रोमा के अटैक्स का चैंग पर कोई असर नहीं हो रहा होता है, इसलिए रोमा उस फाइट से पीछे हट जाती है, जो देखकर जियान और सू भी वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। इसी बीच यूचैन वाही पर पीछे से हमला कर देती है, जो किंग जी के साथ लड़ रही थी, लेकिन वाइट सही समय पर आकर वाही को बचा लेता है, जो देखकर आयोसिन और नोलान समझ जाते हैं कि उनके दूसरे मेंबर हार गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग आपस में लड़ना जारी रखते हैं, जहां पर यूचैन अपनी एक स्किल का यूज़ करके वहां से गायब हो जाती है, जो देखकर किंगजी वाइट पर हमला कर देता है। इसी बीच टीशन को यूचैन को वापस सामने लाने का एक आइडिया आता है और टीशन वाही को आयोसिन पर हमला करने को कहता है, जिस पर यूचैन आयोसिन को प्रोटेक्ट करने के लिए दोबारा उनके सामने आती है, लेकिन ऐसा करके टीशन ने खुद को अनप्रोटेक्ट छोड़ दिया था, जिस वजह से यूचैन टीशन को मारने के लिए उस पर हमला कर देती है। लेकिन सही समय पर वाही टीशन को प्रोटेक्ट करने वहाँ आ जाती है, लेकिन इसमें वो बुरी तरह से घायल हो जाती है और काफ़ी ब्लड लॉस होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है, जो देखकर टीशन का ध्यान उसकी बैटल से हट जाता है, जिस वजह से वाइट को भी किंगजी से लड़ने में दिक्कत आने लगती है और किंगजी वाइट को हरा देता है। तभी वहाँ पर जोंग और मुई आ जाते हैं, जो किंगजी से लड़ने लगते हैं, और इसी दौरान चैंग वाही को अपनी पावर से हील करने लगती है, जिससे वो एक छोटे वेपन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है ताकि वाही जल्दी से रिकवर हो पाए। और हमें पता चलता है कि टीशन ने दूसरे होली वेपन को चैंग की स्पीड पावर रिकवर करने में उसकी मदद करने भेज दिया था, जिस वजह से चैंग इतनी जल्दी मेंशन वापस लौट पाई थी। इसी बीच आयोसिन सभी को वहां पर देखकर अपने ट्रम्प कार्ड बिग डीपर का यूज़ करने का फैसला करता है, जिससे किंगजी की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से आसमान में मौजूद कुछ स्टार भी रेड होने लगते हैं और किंगजी वाइट पर अपने होली वेपन क्रिएट मूव से अटैक करता है, जिसे वाइट अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है, जिस पर टीशन वाइट को अपने ब्लड का यूज़ करके और ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी देने की कोशिश करता है, जिससे वाइट किंगजी के उस पावरफुल अटैक को अब्जॉर्ब करने में कामयाब रहता है। लेकिन टीशन स्पिरिट एनर्जी एग्जॉर्शन की वजह से बेहोश जाता है। इसी बीच वाइट किंगजी का अटैक उसी पर वापस लॉन्च कर देता है, जिससे किंगजी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है, जो देखकर आयोसिन किंगजी को लेकर तुरंत वहां से निकल जाता है और एक सेफ जगह पर पहुंचकर नोलान और आयोसिन आपस में उनके लीडर जाओलो के ऑर्डर को लेकर बात करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जाओलो जरूर उन्हें मरवाना चाहता है। तभी वहां पर वाइट आ जाता है, जो नोलान की गर्दन तोड़ देता है और उसे जान से मार देता है, लेकिन वाइट आयोसिन को नहीं मारता, जिस पर आयोसिन अपने बेस पर लौटकर जाओलो को नोलान की डेथ की खबर देता है, जो सुनकर जाओलो चैंग के मेंशन पर हमला करने निकल जाता है ताकि वो वाइट से नोलान की मौत का बदला ले सके, जिसके साथ ही ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।